लेकिन अगर हम लोग आप लोग इस थॉट प्रोसेस से नहीं चलेंगे, ये विजन लेके नहीं चलेंगे, चाहे वो बच्चे भी हो गए, तो ये चीज इम्पॉसिबल है। और आप लोगों में वो दम है, गर्ल्स तो बहुत शार्प हो गई है, सुपर ऑसम हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कभी बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, कभी पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते। मैं बेसिकली ये गैप जो है आप लोगों के बीच का, वो खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पेड़ को कोई भी नहीं देखता, हम सब देखते हैं आम, आम मीठा है कि नहीं है। मैं बोलता हूँ पेड़ का ध्यान रखो, वो फल अपने आप अच्छा है उसके से, है ना, तो वो खाओगे तो मजे आएंगे आपको। अभी समझने की कोशिश करना कि एक तो बच्चा है जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है शार्प होते, और एक बच्चा है जो लगा हुआ इंस्टाग्राम, मतलब उसको उसी दुनिया को ऐसे वीडियोस देखने, उसको ऐसे वीडियोस देखने और उसको खुश होना, यार एक दिन मैं भी ऐसा करूंगा। और एक जना है जो कंटिन्यूस चीज को लेके मेहनत करता है, और तेरे को पता है कुछ डांसर ने क्या किया और वो कर दिया, ले 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 ले, वो बेटर होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज की तारीख में क्या कर रहा हूँ, मैं वो खुद पे मेहनत मैं कितनी कर रहा हूँ, राइट। कोई भी इंस्टाग्राम है तो सबसे बड़ा भूत तुम बच्चों को इस सोशल मीडिया ने बना दिया, और सबसे बड़ा फेसबुक हो तुम लोग। मैं यूज करता हूँ सोशल मीडिया मेरे काम के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मेरे पास रीजन है, मेरे पास रीजन है कि मैं अगर कोई थॉट लिखता हूँ तो उसको हजार लोग फॉलो करते हैं, मैं कोई बात लिखता हूँ तो उसको हजार लोग फॉलो करते हैं, मेरे लोगों से, मेरी लाइफ से लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। वरना मैं कभी भी कोई थॉट लिख के, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है कि मेरे को बहुत सारे लाइक और कमेंट चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला घूमना पसंद करता हूँ, मेरे सेलेक्टेड दोस्त है, तीन दोस्त हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ कभी। और तुम लोग आखा दे इंस्टाग्राम फेसबुक इस ऐप को गए, इसको क्लोज किया, ठाक दूसरी बजे से गए, तीसरी किसी के चले, मम्मी बुलाई तेल लेने गई, मम्मी पापा होंगे, भाई मेरे को तो उसको देख रहा है, उसने देखा स्टाइल ही है, उसके कपड़े ये वो, शिट मैन क्या कर रहे हो तुम लोग, खत्म हो जाने ऐसे, ये तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि तुम्हारा क्या नुकसान होने से बच जाता है बेटा। बाकी तुमको अगर मेरे मम्मी पापा जैसे मिले ना तो बेटा सीधा उल्टा करके कुएं में डाल दे रस्सी लटका, आना तेरे को खुद को ही बेटा, अब तू देख ले कि तेरे को स्पाइडरमैन की तरह आना है कि कैसे आना है। ये तो तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे मम्मी पापा आए तो सही, मेरे पापा कहते तेल लगा ले मोबाइल इतनी देर, मेरे पापा मेरे को देख ले यूज करता हूँ सीधा ले लेंगे और दीवार को गिफ्ट कर देंगे। ये तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी फैसिलिटी देते हैं कि कहीं मेरा बच्चा फंस न जाए, ले पेट्रोल के पैसे हैं क्या तेरे पास, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया बेटा, हमको तो एक ही चीज को खाना खाना नहीं खा रखते, हम तो ऐसे बड़े हुए, तो हमें क्या उन चीजों की वैल्यू है। और तुम लोग क्या कर रहे हो, 12 बजे तक खुद की सब चल रहे, प्रश्न जितने भी बच्चे हो गए तुम लोग, एक तो तुमको पता नहीं क्यों भूत लगा हुआ इन सब चीजों का, मेहनत करो, अपना नाम बनाओ, काम करो, तुम्हारी फीस पे कर रहे हैं वो लोग, मेहनत से कमाते हैं, जुगाड़ करते हैं, किसी के ऊपर लोन की किस्तें चल रही, किसी के ऊपर क्या चल रहा है, किसी के ऊपर 10 लाख से चल रहे, और उसके बाद तुम्हारे फीस अलग भरते हो कि नहीं यार बच्चा जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो उसका जाएगा दिमाग से, और हम क्या कर रहे हैं भाई साहब पैसे देने के बाद भी स्ट्रेस को बढ़ा रहे, और इनडायरेक्टली हम बोलते पैदा कर दिया, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूं। कभी सोच के देखना कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होने लग जाएगा तुम्हारे रिएक्शन क्या होंगे, पापा ने मारा, पापा ने चिल्लाया, पापा ने बुरा बोला, तुमको सब ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ ही गंदा होगा, हम ही गलत, मतलब हमारे साथ ही ऐसा करते हैं, बाकी के साथ तो नहीं होता ऐसा, मेरी फ्रेंड तो आ जाती है 5 बजे घूमने के लिए कभी भी, मेरी मम्मी मेरे को जाने नहीं देती, मेरे पापा मेरे को जाने नहीं देते, गाइस ये लोग कैसे है ना, ये लोग जिनके वीडियो दिखा रहा हूँ यार लाइक मेहनत टेक्निक्स मेहनत, अब फ्री हुए तो एक फिक्स टाइम डिसाइड करा हुआ उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों का, ये करना है उसके बाद नहीं करना फालतू फर्जी वाला, ठीक है। अच्छा एक बात बोला, सोशल मीडिया से तुम कोई अर्न कर रहे हो, पैसा आ रहा है घर में है, ले दे के आंखों के नीचे काले घर आ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल की बैटरी बार बार चार्जर पॉइंट होता वहीं सो रहे हो, इसके अलावा कुछ हो रहा है,
शक्ले देखो अपनी, इतने स्मार्ट लग सकते हो लेकिन लग किसकी वजह से रहो, बोल में घुसे रहो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, डांस की टेक्निकल पॉइंट्स पढ़ो, यूज करो। मैं अगर गैजेट लेके बैठा हूँ, कोई भी मोबाइल लैपटॉप मैं कुछ भी लेके बैठा हूँ, तो मैं गैजेट अगर यूज कर रहा हूँ तो यूजफुल तरीके से यूज करो, ना कि देखो समझ रहे स्टोरी पे स्टोरी लेते हुआ किसी को भी फॉलो कर रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ। और ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आगे बढ़ रहे, काम कर रहे हैं आगे बढ़ रहे। अच्छा इन लोगों के पास तो पैसा भी नहीं था, तो मतलब ऐसा हो कि गरीब घर के घर में पैदा होने वाला बच्चा इस टॉप पे जाएगा, मिडिल क्लास वाला मेहनत करके अपने माँ बाप की पैसों की वैल्यू समझ के नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए। और कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं मिलती है, तुम आम खाते हो मैं वापस आता आम खाते हो, ठीक है, तुमने कभी सुना है डायरेक्ट आम आ रहे हैं बस ऊपर से गिर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ? पहले बीज जाता है, फिर पानी डलता है, फिर पेड़ उगता है, फिर उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, फिर आम उगता है, फिर वो पकता है, मतलब आम उगने के बाद क्या होता है, केरी होता है, केरी से वो आम बनता है, फिर हम उसको खाते हैं, उसकी भी वैरायटी होती है। तो डांस पैसे दे रही है, बस यहाँ इस वाले गेट से घुसा बच्चा पैसे देके उस वाले गेट से निकलेगा, ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ बन गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में कभी तुम्हें टाइगर श्रॉफ या ऋतिक रोशन आके तुम्हें बोले कि ये करना है, तुम क्या करो? कौन बच्चा मुझे जवाब देगा तुम क्या करोगे? ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ कोई भी आगे तुम्हें आके बोलेगा कि ये करना है, तुम क्या करो? कर लोगे? अभी ना कर लेगा, लेकिन पापा मम्मी बोलेंगे तो वो तो टाइगर श्रॉफ से यार 3 घंटे देखा है, सब मैंने सामने बैठा था, अलग अलग लाइटें आई मेरे ऊपर स्क्रीन की, साउंड आ रहा था, वो हीरो बन गया। पापा सुबह से मेहनत कर रहे, मम्मी सुबह से चिल्ला रही, कौन सी हीरोइन कौन सा हीरो होगा? घर पर रोज मिलते हैं टाइगर श्रॉफ तो आ जाए, उसकी बात नहीं मानूंगा तो यार नाराज हो जाएगा, और ये तो हीरो है। अच्छा जिसको मिले नहीं, जिसको जानते नहीं हो, जिसको तुम्हें पहचानने का कोई भी मतलब रखता ही नहीं इंटरेस्ट, लेकिन एक इंसान जिसको तुमसे सबसे ज्यादा पता है उसकी हम क्या कर रहे हैं? देखो पवनी राइट और किसी को मौका नहीं दोगे तो हम कोई तुम्हें गलत नहीं बोलेगा, मैं हमेशा क्या हूँ, तुम अगर उस तरह से चलोगे तो कभी तुम पीछे नहीं रहोगे राइट। डांस पैशन है तो उसको शो करो हमेशा, पैशन फिर सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, 8-8, 10-10, 16-16 घंटे दूसरी मॉडलिंग कोई बात नहीं होनी चाहिए, घूमना है महीने में एक बार, दो दो पार्टी करो, लेकिन 29 दिन को ऐसा इस्तेमाल करो कि उस एक दिन के घूमने का मजे करने का मजा मजाक में लगे शरीर, रोज घूमना कुछ नहीं मिलेगा, पते सागर यही रहेगा, फोन भी अपग्रेड होते जाएंगे, सेल्फी और रोज क्या करते हो सेल्फी का, क्या करते क्या हो, डिलीट एंड में डिलीट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यही टाइम डांस में हो, तुम्हारे मम्मी पापा का एफर्ट सपने हर चीज पूरी होती हुई नजर आई, समझ में आ रहा है? कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे तो बहुत सोचे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हमेशा इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान को अपनी कमियों को नहीं देखना चाहिए, मतलब बैठ मतलब कमियों को देख के बैठ जाओ ऐसा नहीं, अपनी कमियों पे काम करना चाहिए कि मेरे अंदर कमी क्या है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता बेटा, मतलब सब ऐसे ही होते हैं, मेरे मम्मी पापा भी ऐसे हैं तो मेरे मम्मी पापा भी ऐसे हैं, सबके कमियाँ होती, कोई ऐसा कोई तीर मार के तो बाहुबली पैदा नहीं होता, पिक्चर में जैसा दिखाते रियल में नहीं होता है ना, बनना पड़ता है बाहुबली बनना पड़ता है, आज भी इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ डांस, मुझे इतना मौका मिला है, मुझे ये सब चीज़ें मिली, मेरे को ये ज्ञान मिला है जो ये सब कर पाता, आप बोलने के अंदर कभी होंगे जब आपके अंदर